गार्लिक एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी अच्छा माना जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे गार्लिक यानी लहसुन के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। इस टॉपिक पर काफ़ी इश्यूज़ है, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़ भी हैं जिसके बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ पे एक्चुअल में मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। इस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो भी किया है जहाँ पे आप इस इशू को देख सकते हैं, जहाँ पे हमने एड्रेस किया था। आज गार्लिक यानी लहसुन के बेनिफिट्स पर बात करेंगे और कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़ पर बात करेंगे, और कैसे आप किस फॉर्म में गार्लिक को अगर लेते हैं, लहसुन को लेते हैं, उसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गार्लिक बेसिकली एक इंग्रेडिएंट है इंडियन क्विजींस का, जिसको बहुत सारे तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स है, इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं, इसको रोस्ट करके भी ले सकते हैं, इसको सलाद के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसको अचार बना के भी ले सकते हैं, सब्जियों में भी डाल सकते हैं। बहुत सारे तरह के इंडियन क्विजींस के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इम्यूनिटी को बेनिफिट करता है, बॉडी के इन्फेक्शंस को फाइट आउट करने में मदद करता है, जैसे अगर किसी को खांसी बुखार जुकाम हो जाए तो उसमें बेनिफिशियल है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, अगर किसी को एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसे कुछ हद तक कम करता है। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल अगर किसी व्यक्ति का है तो उसको पूरा लो कर देगा, वैसा हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हर व्यक्ति को हम इसको एज एन एड ऑन बोलते हैं कि बाकी मेडिसिन के साथ में अगर ले सकते हो, आपको अगर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो। अगर बॉर्डर लाइन किसी का कोलेस्ट्रॉल है यानी एलडीएल 100 का कट ऑफ है किसी का और उसको 110 120 है तो डेफिनेटली आप इस तरह का चीज़ों को यूज़ करके उसको नॉर्मल लेवल्स पे ला सकते हैं। पर अगर आपका 100 का कट ऑफ है और आपका एलडीएल 200 है तो 200 से 100 आप इसको ला नहीं पाएंगे, और उतना लेवल पर लाने के लिए आपको जितना ज़्यादा गार्लिक खाना पड़ेगा वो उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा, आपकी बॉडी को उल्टा गर्म करेगा, नुकसान कर सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लीजिए। नेक्स्ट, ब्लड थिनिंग एक्शन इसका है, थोड़ा बहुत थोड़ा खून पतला करता है। कई लोग ऐसा रिकमेंड करते हैं कि हार्ट अटैक अगर किसी व्यक्ति को आए तो उसके मुंह में लहसुन और अदरक अगर दे दिया जाए तो हार्ट अटैक को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। ये वो कॉन्ट्रोवर्सी है जिसको मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में एड्रेस किया है, ये आप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ये बहुत अनरिलायबल चीज़ है। ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और एग्जैक्टली कितना ब्लड थिनिंग करेगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए, कब आपको ऐसा है कि कितने डोज में आपका खून कम पतला हुआ, कितने डोज में ज़्यादा पतला हुआ, इसकी कोई रिकमेंडेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसका जो ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी है वो अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग लेवल का हो सकता है। ऑब्वियसली कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट में ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर सकता है, क्योंकि प्लांट्स को बहुत अलग अलग तरह से बनाया जाता है, बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स होते हैं। कोई भी दवा में तो ये होता है कि एक पर्टिकुलर केमिकल या एक्सट्रैक्ट एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, जैसे एस्प्रिन में सैलिसिलेट 75 mg अगर अपने को रखना है तो उतना ही रहेगा, लेकिन अगर इसमें सैलिसिलेट की अगर हम बात करें तो वो किसी जगह से अगर लहसुन आएगा तो उसमें हो सकता है ज़्यादा मिले, किसी जगह से कम मिले। आजकल अलग अलग तरह के हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं जहाँ यील्ड बढ़ा सके या खेती बाड़ी करने में किसानों को ज़्यादा यील्ड मिले, ज़्यादा अमाउंट में वो बना सके, पेड़ से ज़्यादा यील्ड निकले, तो उसमें वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उतनी आ रही है कि नहीं आ रही है वो रिसर्च अलग से कर पाना बहुत मुश्किल है, उसको प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और कितना डोज पे इसको लेना है इसको क्वांटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा इनका बेनिफिट जो है अनरिलायबल रहता है। हाँ, आप इसको साथ में ले सकते हो, अगर आपको खून पतला करने के लिए बाकी दवाइयाँ चल रही है साथ में इसको ले सकते हो, या बाकी दवाइयाँ नहीं चल रही आप खून पतला करना चाह रहे हो तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ इसी पर रिलाई करो और ये मान के चलो कि आपका खून इससे पतला हो जाएगा और आपको वो कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, वैसा नहीं है। मेरे एक दो पेशेंट्स की इस तरह से डेथ हो चुकी है कि जिन्होंने दवाइयाँ बंद कर दी थी और लहसुन अदरक और इस तरह की चीज़ों को ले रहे थे, काली मिर्च को, कि उससे खून पतला रहेगा, उनको हार्ट अटैक होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए एटलीस्ट मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, उसकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है पूरी बॉडी में, जिससे कि हार्ट अटैक होने का, स्ट्रोक होने का, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाता है। एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो बॉडी के ऑक्सीडेंट तत्वों को भी कम करता है, जिससे बॉडी फ्री में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो बॉडी को नुकसान करते हैं, लिवर किडनी और हार्ट को डैमेज करते हैं, उसको कम करता है। ब्लड प्रेशर को भी कुछ हद तक कम करता है, पर अगेन इसका ब्लड प्रेशर पर जो रिडक्शन इफेक्ट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपका अगर 200 ब्लड प्रेशर है तो आप सिर्फ इसको खाओगे तो ठीक हो जाएगा। बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर है, अगर आपका 120-130 के बदले 140-150 जा रहा है, आप दवा नहीं लेना चाह रहे हो तो इसको ट्राई कर सकते हो, पर कितना आपका अचीव हो रहा है ब्लड प्रेशर वो आपको रेगुलर बेस पर चेक करना पड़ेगा। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, किसी लोग को अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वगैरह है तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिशियल है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में मदद करता है। कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी अच्छा है कि जो लोग की बॉडी में अलग अलग तरह के कैंसर है, खासकर अगर स्टमक और कोलोरेक्टल कैंसर है, उसकी
आने के चांसेस को या उसके होने के चांसेस को ये कुछ हद तक कम करता है और बोन्स की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें थोड़ा सा एस्ट्रोजन कंटेंट होता है जो कि फीमेल पेशेंट्स में जाओ जिनको खासकर हड्डियों में वीकनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो लोगों में ये एस्ट्रोजन को थोड़ा इम्प्रूव करता है और बोन्स में जहाँ जिन लोग की हड्डियाँ कमज़ोर है या कच्ची है उसमें थोड़ा सा ये हड्डियों को ताकत देता है, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करता है। तो ये है गार्लिक के बेनिफिट, कुछ क्लियर कट बेनिफिट्स है, कुछ डाउटफुल बेनिफिट्स है, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बेनिफिट्स है। जो भी इंडिकेशन में आप इसको ले रहे हैं बेटर है कि उसको क्वांटिफाई करके कितना बेनिफिट हो रहा है उस हिसाब से लीजिए। इसी को लिया और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा यूजली कई बार गर्ल भी हो सकता है और कई बार प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। कैसे खाएं इसको इस बारे में बात करते हैं। इसको अलग अलग तरह से खाने के तरीके होते हैं। इसको या तो आप रोस्ट करके खा सकते हैं अगर आप उसको इसका नेचुरल फ्लेवर और उसका स्वीटनेस चाहिए तो उसको ऊपर से का पोर्शन है उसका टॉप को कट कीजिए उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालिए उसको 30 मिनट तक लगभग माइक्रोवेव अगर में बेक कीजिए जब तक वो सॉफ्ट और गोल्डन कलर का नहीं हो जाए तो आप उसको रोस्ट करके खा सकते हैं। कुछ लोग को जिनको गार्लिक का टेस्ट पसंद है और उसको ख़राब नहीं लगता तो वो डायरेक्टली भी खा सकते हैं, डायरेक्टली उसको सलाद सॉसेज ड्रेसिंग में इसमें डाल के जिन लोग को उसका फ्लेवर पसंद है वो डायरेक्टली भी खा सकते हैं। अपने इंडियन क्विजींस में ये काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट है अगर आपको कोई सब्जियों वगैरह में डालना है या कोई सूप्स वगैरह में अगर इसको डालना है तो उसके लिए आप इसको उसमें सब्जी या जिस भी चीज़ में आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो उसमें डाल सकते हो। ये जले नहीं ख़राब नहीं हो इसके लिए आप ऐसा करिए कि जब भी सब्जी वगैरह बना रहे हैं या सूप्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके लास्ट में इसको डालें ताकि ये पूरी तरह से जल नहीं जाए या ख़राब नहीं हो जाए। बहुत लंबे देर तक इसको पकाना नहीं चाहिए नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। इसके अलावा इसके साथ अचार वगैरह बना सकते हैं, पिकल के फॉर्म में इसको ले सकते हैं और वो पिकल को हम अलग अलग चीज़ों के रोटी के साथ या सैलड्स के साथ या कोई भी स्नैक्स के साथ ब्रेड वगैरह के साथ भी खा सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। इसको पिकल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक ब्रेड एक और तरीका है जिसमें ले सकते हैं पर लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं क्योंकि इस गार्लिक ब्रेड में बहुत ज़्यादा ऑयल में उसको प्रिपेयर किया जाता है। एक्चुअल रिकमेंडेड ये है कि जो गार्लिक ब्रेड आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको बटर और गार्लिक उसको उस पर ब्रश करके उसको बेक करिए जब तक वो गोल्डन नहीं हो जाए। लेकिन इसमें बटर का कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो गार्लिक से कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट होना भी होता है वो भी नहीं हो पाता है। जो बड़े बड़े फूड जॉइंट्स मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज और इस जगह पे जो गार्लिक ब्रेड अवेलेबल रहती है वो फ्रैंकली मैं कहूँ बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं होता है क्योंकि गार्लिक से अगर थोड़ा बहुत बेनिफिट होने भी वाला होता है वो भी इसमें लॉस हो जाता है क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा ऑयल साथ में चला जाता है कि वो बहुत हाई कैलोरी इंटेक हो जाता है। तो इसलिए वो तरीका एटलीस्ट आई डोंट रिकमेंड। बाकी आपको उसका सलाद फॉर्म में लेना है या डायरेक्ट खाना है या रोस्ट करके खाना है बहुत ज़्यादा ऑयल के यूज़ किए बिना वो ज़्यादा हेल्दी तरीका है इसको खाने का। दिन भर में एक से दो कलियाँ अगर आप मॉर्निंग में खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। कई लोग बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं तो वो हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसमें थोड़ा सा नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आज हमने बात की लहसुन यानी गार्लिक के बेनिफिट्स के बारे में। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स क्वेरी सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है तो आप उस वीडियो को जल्दी देख सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ में कंटेंट ढूंढने में दिक्कत होती है उन्हें, उनके लिए हमने सारे चैनल्स के कंटेंट को प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। इन प्लेलिस्ट को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको स्पेसिफिक कंटेंट मिलता है जिससे आपको ज़्यादा ढूंढे बिना वो प्रॉपर टॉपिक मिल जाएगा और आपको ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा बिना ज़्यादा ढूंढने की मेहनत करें। और जो लोग हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम YouTube पे, Facebook पे और Instagram पे रील्स अपलोड कर रहे हैं 1 मिनट में, सारे टॉपिक का डिटेल समरी हम आपको देते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हम आपको देते हैं उस 1 मिनट में, तो उनको आप देख सकते हैं, हमें Facebook और Instagram पे फॉलो कर सकते हैं तो आपको वो सारा कंटेंट मिल जाएगा जिसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बगैर आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाएगा। और अगर कोई टॉपिक को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हमारी डिटेल वीडियोज़ तो हैं ही।